हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको ये क्रोशिए का बना हुआ छोटा सा फ्रॉक बताने वाली हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही जल्दी बनने वाला है, बहुत ही आसानी से बनने वाला है और इसमें ऊन भी बहुत थोड़ा सा लगता है। इसमें मैंने ये इस तरह से टीच बटन लगाया हुआ है। ये बहुत पहले का है इसलिए ये थोड़ा छोटा छोटा है। आप चाहे तो ये इस तरह का टीच बटन भी लगा सकती हैं, बड़ा बड़ा, और ऊपर आप चाहे तो कोई फैंसी बटन भी लगा सकती हैं। ये मैंने दो कलर से बनाया है, आप इसे एक कलर में भी बना सकती हैं, जो भी आपको कलर पसंद आए। ये बहुत आसानी से बन जाता है। मैं इसको बनाऊँगी इन दो कलर में। मैंने एक ब्लैक लिया है और एक ये कलर मेरा है पिंक कलर, इसे मैं बनाऊंगी। इसमें मैंने स्टार्ट लाइट कलर से किया है, लेकिन अब मैं इसमें डार्क कलर यानी ब्लैक कलर से इसको स्टार्ट करूंगी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको 68 चेन बनाने होंगे। मैंने आपको बताया है चेन कैसे बनाते हैं। ये मेरा क्रोशिया है, ये मेरा 10 नंबर का क्रोशिया है, मैं इससे बनाऊँगी। और ये बेबी वुल है, जो पतला वाला ऊन आता है छोटे बच्चों के लिए, किड्स के लिए, ये बेबी वुल है, इससे मैं बनाऊंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये इस तरीके से मुझे 68 चेन बनाने हैं। इस तरह स्टार्ट किया, अब यहाँ से ये इस तरह से 1 2 3 4 इस तरीके से, थोड़ा ढीला ढीला, टाइट नहीं, मुझे 68 चेन बनाने हैं। ये देखिए, ये मैंने 68 चेन बना लिए हैं। ये बनाने के बाद अब हम ये जो सिंगल क्रोशिया मैंने आपको बताया हुआ है अपने वीडियोस में पुराने, ये देखिए, इसको एक बार ये लिया। अब यहाँ से देखिए, आप ध्यान से देखिए तो 1 2 ये छोड़ के ये थर्ड वाले में मैं यहाँ से ये सिंगल क्रोशिया ऐसे बनाऊँगी, इसको इस तरीके से, और ऐसे करते हैं तो ये एक सिंगल क्रोशिया हो जाता है। ये मैं इस तरीके से बनाऊंगी तो लास्ट तक मेरा ये 65 सिंगल क्रोशिया बन जाएगा हर चेन में। ये चेन आप देख रही हैं, ये चेन डार्क कलर है थोड़ा, इसके बीच में से ये ऐसे डालिए, देखिए ये ऐसे डालिए और इधर से इस तरह से निकाल के, इस तरीके से हम टोटल 65 डबल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे। इस तरीके से देखिए ऐसे बनेगा, ये मेरा ये 4 बन गया, इसको हम टोटल 65 कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने 65 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब इसका सेकेंड रो, इसके लिए ये 1 2 2 चेन लिया। अब इसको ऐसे रिपीट कर लीजिए, पलट लीजिए, यही चीज़ हम रिपीट करेंगे। ये जो हमने बनाया है नीचे, इसी के ऊपर हम ये इस तरीके से फिर 65, ये जो हमारा होल बन जाता है, ये जो होल बन जाता है इसी में फिर हम ये 65 इधर से सिंगल क्रोशिया रिपीट करेंगे। इस तरीके से आप इसको बना लीजिए, फिर हम दूसरा कलर इस पर ऐड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने 2 रो पूरी बना ली है। अब यहाँ पे हमें दूसरा कलर लगाना है, तो यहाँ जो हमारा लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया बन गया है, यहाँ से जो हम लोगों ने पिछली बार 2 चेन लिया था, वो अब हम इस दूसरे कलर से लेंगे, इस सेकेंड कलर से। इसको यहाँ कर दीजिए ऐसे। अब इस वाले से यहाँ पे ये ब्लैक वाले को पकड़ के अच्छे से, ये 1 और ये 2, ये इस तरीके से। अब इसको पलट लीजिए, पलटने के बाद अब हम यहाँ पे जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पे ये हम बनाएंगे, ये 1, फिर ये 2 और ये 3। ये बनाने के बाद ये देखिए, ये 3 डबल क्रोशिया बनाने, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम ये 2 चेन लेंगे, 1 2। यहाँ से अब हम देखिए, ये चीज़ ध्यान देना है, यहाँ से देखिए ये 1 2 3
आप इसको देखिए या आप ये देखिए 1 2 3, ये मेरा छूटा, ये जो छेद दिख रहा है 1 2 3 छोड़ के फोर्थ वाला जो है उसमें अब हम ये एक संग 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 2 और ये 3, ये हो गया। फिर 2 चेन लेंगे, फिर हम हर 3 छोड़ते हुए 1 2 3 छोड़ेंगे, फिर ये चौथे वाले में, फोर्थ में, ये इस तरीके से ये पूरी लाइन हम इसी तरीके से बना लेंगे। ये 3 3 इस तरीके से हम ये बनाएंगे और लास्ट में फिर ये 3 इस तरह से सिंगल क्रोशिया। ये हमारा एक तरह से ये बॉर्डर जा रहा है किनारे का, ये हमारा ये 3 ऐसे रहेगा और ये भी हमारा 3 3 ऐसे बनेगा। 2 चेन लीजिए, 1 2, फिर 1 2 3 छोड़िए, फिर ये फोर्थ वाले में, इस तरीके से हम ये पूरी रो बना लेंगे। इस तरीके से ये हम ये पूरी रो बना लेंगे, देखिए ऐसे। ये देखिए ये मैंने पूरी लाइन कर ली है, लास्ट में मैंने ये 3 ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब इधर से फिर फोर्थ रो वही 2 चेन ऐसे हम लेंगे, इसको पलट लेंगे और ये 3 के ऊपर 3 हम वैसे ही रिपीट करेंगे, 1 2 3। अब 2 चेन लेंगे, इसके बाद ये जो हम लोगों ने 3 एक जगह बनाया, अब इसके ऊपर हम ये 3 बना लेंगे। ये जो हमारा होल है इसके ऊपर ये सिंगल सिंगल 1 2 और ये 3, इस तरीके से। फिर 2 चेन लीजिए, फिर इसको यही चीज़ आप पूरी लाइन रिपीट करती जाइए। फिर 2 चेन, यही चीज़, इस तरीके से आप इसको पूरी लाइन इसी तरीके से बना लीजिए। ये देखिए मेरी ये पूरी रो पूरी हो गई। अब यहाँ से फिर हम कलर चेंज करेंगे, ये ब्लैक वाले से। जब कलर चेंज करिए तो ये याद रखिए कि हमारा यहाँ पे ऊन जो है वो थोड़ा ढीला ही रहे, नहीं तो ये किनारा जो है ये हमारा टाइट होता चला जाएगा एक साइड का। तो ये थोड़ा सा ऐसे इसको ढीला रखिए। ये 2 चेन हमने ले लिया। अब हमारी जो 5th रो है वो स्टार्टिंग, तो हमारी ये जो पट्टी बन रही है ये 3 सिंगल क्रोशिए की पट्टी हमारी लगातार बनेगी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। बाकी बीच में हमने जो चेंज करना है वो ये करना है, अभी 5th रो में मैं ये 2 चेन लिया यहाँ पे। अब 5th रो जो है ये देखिए, ये हम लोगों का ये 3 सिंगल क्रोशिया है, तो हम ये पहले में 1 बना लेंगे, ये दूसरे वाले में 3 बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ये हो गया। फिर ये लास्ट वाले के ऊपर 1 बनाएंगे, ये इस तरीके से। ये अब हमारे 5 हो गए, देखिए ये हमारे ये 5 हो गए। अब फिर अब 1 चेन लीजिए, यहाँ पे किनारे हमेशा 2 चेन लीजिएगा, अब यहाँ 1 चेन लीजिए। ये फर्स्ट वाला देखिए 1 2 3, ये है, ये फर्स्ट वाले पे हम 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे वाले पे 3, 1 2 3, और थर्ड वाले पे फिर ये 1। इस तरीके से हमारे ये 5 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, पूरी रो हम इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए मेरी ये रो पूरी हो गई। अब
इसके बाद सिक्स्थ रो जो हमारी है ये फिर ऐसे जो हम स्टार्टिंग में तीन बना रहे हैं वो तो हम तीन ऐसे ही बनाएंगे। ये इस तरीके से किनारे पे ये दो चेन लेंगे और अब ये देखिए ये जो हम लोगों ने तीन बढ़ाया था एक का तीन, अब ये पूरे पांच जो हैं हम इसको सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए वन टू थ्री फोर और ये फाइव, ये हुआ। फिर एक चेन, फिर इसी तरह से वन टू थ्री फोर और ये फाइव, इस तरीके से ये हम छठी रो बना लेंगे। ये देखिए ये मैंने सिक्स रो पूरी करके सेवेंथ रो में मैंने ये किनारे की पट्टी बना ली है। अब इसमें फिर वही किनारे करके मैंने ये दो चेन ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे मेरा ये तीन था, मैंने तीन रिपीट किया, ये पांच था, पांच रिपीट किया। अब ये किनारे किनारे का दो जो है इसको ऐसे ही बनाइए इस तरीके से, ये दो हो गया। फिर ये जो थर्ड नंबर जो बीच वाला है इसमें हम फिर तीन बनाएंगे, इस तरीके से, और फिर ये दो बनाएंगे। ये दो बनाएंगे। अब इसको फिर एक चेन लिया, फिर यही चीज एक, ये दो, और बीच में ये जो बीच वाला है देखिए ये पांच है टोटल बीच वाले पे। तो इस तरीके से जब हम कलर चेंज कर रहे हैं मेरी ये बीच की रो में, ये तीन जब ये सिंगल क्रोशिया हम बना दे रहे हैं तो ये हमारा इधर एक बढ़ जा रहा है। उल्टी रो में हम बस ये जैसे मैंने यहाँ तीन बनाया ये तीन हो गया, फिर यहाँ मेरा ये एक किनारे तीन बीच में मिला के पाँच हो गया तो मैंने इसको पाँच किया। अब ये सात हो गया तो मैं उल्टी रो में टोटल सात करूँगी। फिर जब मैं सीधी रो में आऊँगी तो ये दो और एक ये तीन हो जाएगा, फिर ये मैं कर लूँगी। तो इस तरीके से मुझे ये देखिए दो चार छः आठ और ये दस रो टोटल बनाने हैं। यहाँ के बाद मैं ये आस्तीन बनाऊँगी। तो ये मेरी देखिए दो चार छः, ये सातवां चल रहा है। फिर दस रो बनाने के बाद फिर हम लोग ये आस्तीन बनाएंगे और ये हर बार इसी तरह बीच में ये तीन तीन बढ़ता जाएगा। ये देखिए दोस्तों मैंने ये पूरी दस रो पूरी कर ली है इस तरीके से। अब मैंने ये कलर लगा लिया है। अब हम यहाँ से जो हमारी इलेवेंथ रो है यहाँ से स्टार्टिंग, मैंने जैसे बताया हमेशा ये पट्टी बनेगी ही, हर बार बनेगी। इस तरीके से ये हर बार बनेगी। किनारे पे ये दो चेन जैसा कि मैंने बताया ही है। अब हर बार हमारा ये जो बीच का ये बढ़ जा रहा है तो अब इस बार हमारा ये किनारे पे चार है। ये देखिए ये चार है, ये बीच में तीन, फिर ये चार, ये हो गया।
फिर एक चेन, फिर ये वही चीज़ रिपीट करेंगे। तो 3 4 बीच का 3, फिर ये 4, फिर ये एक चेन। अब ये देखिए, ये 2 हो गया। अब ये एक चेन जो हम लोगों ने लिया, ये हम लेंगे। अब बीच का देखिए, 1 2 और ये 3, बीच का 1 2 3 छोड़ के अब हम यहाँ वाले पे, ये देखिए इस तरीके से 1 2 और ये 3 छोड़ देंगे और अब हम यहाँ वाले पे आ जाएंगे। इस तरीके से ये बीच में 3, ये किनारे का 4, ये अब ये पीछे का भाग आ गया हमारा। बीच में हम लोगों ने जो छोड़ा वहाँ पे हम आस्तीन बनाएंगे। ये जो है ये आस्तीन का भाग, ये हमने छोड़ दिया। अब ये 1 हमने बना लिया, अब 4 इसको और कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये 4 पीछे का कर लिया है, फिर ये एक चेन ले लिया। अब फिर यहाँ पे 3 छोड़ देंगे, 1 2 और ये 3 छोड़ के आगे में ये 2। ये हमारा पार्ट वाइज खुद ही डिवाइड हो गया है सब, तो इसको ये 3 बीच का छोड़ के और इस तरीके से ये मेरे फ्रॉक का जो नाप है, ये 6 महीने से लेके 1.5 साल 2 साल तक की बच्ची का है। आप चाहें तो इसको और बड़ा भी बना सकती हैं। ये स्टार्ट का बेस हमारा इस तरीके से रहेगा। ये देखिए ये इस तरीके से आ गया, ये हमारा आस्तीन यहाँ और ये हमारी बॉडी है इस तरीके से। अब हमको जितनी लंबाई चाहिए उतनी हम इस फ्रॉक की लंबाई बना लेंगे। और ये जो ये सारे जॉइंट हैं उनके टुकड़े दिख रहे हैं, ये बाद में जब हम कंगूरा बनाएंगे तो उसके अंदर ये छिप जाएगा। और इसको इस तरह से नीचे रखेंगे तो ये ऊपर से हमारा फिनिश दिखेगा। ये इस तरीके से अब हम इसकी लंबाई बना लेंगे। यहाँ से बाकी का हम उसी तरह बिनते जाएंगे जैसे हम पूरा बना रहे हैं अभी तक। सीधी तरफ में ये बढ़ाएंगे, उल्टी तरफ में पूरा, जैसे ये 3 बना, उल्टी तरफ से हम फिर इसको यही चीज़ रिपीट करते जाएंगे जितनी हमको लंबाई चाहिए। और ये आस्तीन का ये जो भाग है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे वही एक चेन लेके दोनों तरफ यहाँ पे एक चेन लेना है और इस तरीके से इसको बनाते जाना है। ये देखिए ये मैंने ये पूरी रो पूरी कर ली है। अब यहाँ से जब हम ये आस्तीन का ये मैंने ये एक लाइन बना लिया है दोनों कलर से। अब यहाँ से ये जो हम लोग बीच में 3 बना रहे थे, अब हम यहाँ से चूँकि हमारा अब घेर बनेगा तो यहाँ से अब हम इसको 5 बनाएंगे। इस तरीके से ये हम 5 बनाएंगे और बाकी हमारा वही प्रोसीजर रहेगा जैसा कि ये चलता आ रहा है। ये 3 था, अब यहाँ घेर बनेगा तो ये 5 हो जाएगा। तो हमारा इस तरीके से ये कर्व आएगा। तो इसको करने के लिए बाकी हमारा वही चलता रहेगा जैसे हमारा ये बढ़ रहा है और बीच में अब ये 5 बन जाएगा हर सीधे में जब हम ये कलर चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों मैंने ये 13th रो पूरी करके ये 14th रो पे आ गई हूँ। यहाँ पे जैसा मैंने बताया अब हम इसमें 5 5 बढ़ा रहे हैं और अब
इसमें उल्टे तरफ भी हम बढ़ाएंगे। यानी ये हमारा जो था इसमें ये बढ़ाने के बाद देखिए ये टोटल 15 हो गए हैं। तो यहाँ से मैंने ये 8 बिन लिया है। 8 बिनने के बाद अब जब हमारा ये जो बीच वाला आएगा इस पे उल्टे तरफ से हम 3 बनाएंगे। अब तक हम उल्टे तरफ से कुछ नहीं बना रहे थे, अब हम उल्टे तरफ से 3 बनाएंगे इस तरीके से। और बाकी पूरा वैसे ही बन जाएंगे। सीधे तरफ से 5 बढ़ाएंगे और उल्टे तरफ से 3 बढ़ाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से ये देखिए ये निकला, अब कोना निकलना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो ना भी बढ़ाएं, लेकिन इस तरह से करने से ये कर्व थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। बाकी का ये 8 हम उसी तरह बना लेंगे और हर सेंटर में सीधी तरफ से हम 5 बढ़ाएंगे और उल्टे तरफ से ये हम 3 बढ़ाएंगे। तो हमारा ये ऐसे घेर भी ज़्यादा आएगा और ये कर्व भी हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। देखिए दोस्तों ये इस तरीके से बनेगा कि हमारा फ्रॉक, अभी इसका घेर बनाना बाकी है। ये जब हमारा 26 रो पूरा हो जाएगा तो हमारी ये फ्रॉक की लंबाई पूरी हो जाएगी, ये घेर ऐसे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे बाद में हम कंगूरा बना लेंगे और बटन लगा लेंगे। ये देखिए जब हमारा 26 रो पूरा हो जाएगा तो इस तरीके से हम कंगूरा बना लेंगे और बटन आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद आए, टीच बटन या फैंसी बटन, आप कोई भी बटन इसमें लगा सकती हैं। ये 6 महीने से लेकर डेढ़ साल तक के बच्ची को बहुत आराम से आ जाएगा। आप अगर इसको बड़ा बनाना चाहें तो इसमें एक रो आस्तीन का और बढ़ा लीजिए और इसका घेर भी आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा कर लीजिए, तो आपका ये फ्रॉक अच्छे से आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और अगर मेरा ये फ्रॉक आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं आपको आगे और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देती रहूँगी और अच्छी डिज़ाइन बताती रहूँगी। धन्यवाद।